नहीं लग पा रही, आखिर सरकार कर क्या रही है। तो सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि कल ही हमने जैसे देखा था, पहले कल से, पिछले कल से शुरू होनी थी वैक्सीनेशन जो है युद्ध स्तर पर, यह कहा गया था, लेकिन आज वो कल किसी वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया गया। आज से जो है वैक्सीनेशन जो है वो लग रही है। इस वक्त मैं शास्त्री नगर में हूँ, एक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर, और लोग देखिए जो युवा हैं, युवा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपना 18 साल से ऊपर के जो भी लोग, 44 साल तक जो भी लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और वैक्सीनेशन जो है वो हो रही, यहाँ पर टीका उनको जो है कोविड का लग रहा है। ये खबर आप सब, उन सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लगातार हम लोग ये बोल रहे थे, कई जगह हमें स्लॉट नहीं मिल रहे थे, कई जगह काफ़ी दिक्कत हो रही थी। 18 to 45 ईयर्स एज ग्रुप है, 44 ईयर्स, ये ज़्यादा है, और इस ये ज़्यादा बाहर इनको एक्सपोजर भी ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगी कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन शुरू कर दीजिए, ना कि हमें ये जो स्लॉट्स वाला जो मतलब आपका कहने की यहीं पर हो कि यहाँ पर आए यहाँ तो है ही है ना, ये तुम्हारी साइट है। अच्छा, लेकिन वो जो मैसेज देख, मैसेज के ऊपर डिपेंडेंट है ना, उससे बड़ा कम ज्यादा हमारा लॉट निकल रहा है। अभी हमने, हमारे पास एक खबर आई थी NHM से ही, उन्होंने कहा था कि अभी जो फोकस है, अभी जो वैक्सीन लग रही है उसका फोकस है जो डिसेबल्ड है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले उनको रखा हुआ है, उनके लिए अभी, या दूसरे भी उसमें सबके जो मोर देन 45 में भी वही सेम था, और अभी इसमें भी सेम। आपको काफी ब्लेस्ड समझते हैं कि हम फ्रंट वॉरियर्स होके ये काम कर रहे हैं, हम अपनी लोकल सोसाइटी के लिए इतना कर पा रहे हैं, और अभी तक हमें 3 months हो गए हैं हमने वैक्सीनेशन करते करते, ऑलमोस्ट मोर देन आई थिंक 500 लोग हैं, या मोर देन दैट वी हैव कवर्ड, और हम यही चाहते हैं कि जैसे पहले 45 प्लस के लिए ऑन द स्पॉट यहाँ रजिस्ट्रेशन खोला गया था, यूथ है वो बहुत एक्साइटेड है, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, इनके लिए भी सेम कर दिया जाए। स्लॉट में उनको थोड़ा दिक्कत आ रहा है, बहुत लोग हमारे पास आते हैं कंप्लेंट्स देके कि मैम स्लॉट नहीं बुक हो रहा है, हमें बहुत मुश्किल आ रही है, 3 months हो गए हम रजिस्टर करवाए हुए, स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हायर अथॉरिटीज़ इनके लिए भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन ओपन करें, या और सेंटर्स बनाएं, उससे बड़ा स्मूथली चलता है, मैस नहीं होता, परेशानी भी नहीं होती, परेशानी नहीं होती। हमारा फार्मेसिस्ट है, फार्मेसिस्ट मुझे ये बताइए आप, मतलब होता ना कि डर तो सभी को होता है, ठीक है, हालांकि मुझे भी एक बार कोरोना हो चुका है, लेकिन आज भी मुझे डर है कि क्या पता दोबारा ना हो जाए, तो कभी डर या वैसा घर से क्या बना? डर तो रहता ही है, लेकिन क्या कर, ड्यूटीज तो देनी पड़ती हैं, ड्यूटीज तो देनी है। घर वाले कुछ बोलते हैं कि? घर वाले तो बोलते हैं, लेकिन हमें अपना तो काम करना ना, हमने सेवा करनी है वो करेंगे, यही चीज़ है कि सेवा करनी है, सेवा भाव इनके लिए। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी टीम से।